So, well guys, I am Dhananjay. Today I am going to show you something new, that is second step. So when you try to go somewhere for roaming on some business purpose or anything as you want, what you want to do for other country, so you need something to accommodation, you have to be a stay somewhere, right? So as per my own experience, I search a hotel by using bookmy.com. So one of the best and prestigious website, by using that you can get a from cheaper to higher price hotel and lodge, hostel, whatever you want to go. So आज की वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम बाहर घूमने जाते हैं या फिर किसी भी पर्पस से जाते हैं, अगर खुद से सारा कुछ हमें आइट्रेटरी करना है या खुद से हमें हर चीज़ अरेंज करना है, तो हम कैसे वहाँ पे होटल बुक कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको एक वेबसाइट के मदद से, वेबसाइट का नाम है booking.com, उसके मदद से मैं ये दिखाता हूँ कि कितने सस्ते में आप होटल पा सकते हो जो कि अपने इंडिया से भी चीपर होते हैं बाहर में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं, तब तक आप इसे एंजॉय करें। लेट्स डू दिस। www.booking.com, ये जो है होटल बुकिंग वेबसाइट है जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अभी आप जैसे मैं देख रहा हूँ, ये मेरा खुल गया कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे सर्च बार में बैंकॉक डाल रखा है और अभी हम यहाँ पे डेट डालेंगे कि हमें कितने दिन से कितने दिन तक बैंकॉक में रुकना है। तो जैसे कि हमने डेट डाल दिया था, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी इतने सारे होटल के जो लिस्ट है वो लिस्ट आ गए, ये मेरा ओपन आईडी था जो खुला हुआ है। अभी आप देखो, मैं यहाँ पे आपको डेट डाला, सब डाला और यहाँ पे लोकेशन भी डाल दिया। अब मैं सर्च कर रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट मेरे लिए है। तो मुझे जाना अकेले है, रहना अकेले है, तो इतनी कॉस्टली होटल में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं एक हॉस्टल देख रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो कि आगे बढ़ रहे हैं, आगे मैं स्क्रॉल बार में किया, अब मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे कि ये एक हाउस है जो कि इसका गुड है, 8.2 रेटिंग दिखा रखा है, पर हमें इसमें नहीं लेना है क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्टली है, 2979 का है। तो इससे और चीप वाले में चलते हैं। और अभी हमने यहाँ पे एक देखा, एक खोज रखा है। तो अभी आप देखो यहाँ पे ये वाले में नहीं जाना है, तो अभी हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं। और ये हमने एक खोला, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है ये रेस्ट इन डोरीमोंट्री गेस्ट हाउस है, तो इसमें भी नहीं जाना था, ये भी अच्छा नहीं है थोड़ा। हाँ, अभी आप देखो यहाँ पे स्लीप विथ मी था जो कि बैंकॉक में था, वो थोड़ा अच्छा था। तो हमने यहाँ पे बुकिंग कंफर्म कर दिया, वो हमने स्किप कर दिया। जो मैंने बुकिंग का प्रोसेस था वो सेम था, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हो, वो हमने डायरेक्ट कर दिया और उससे कोई फ़ायदा नहीं था। ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हो, आई नो। तो हमने एक बुक किया जो कि था पटाया बैकपैकर्स, जो कि पटाया में है। ये आप देखो मेरा बुकिंग कन्फर्म हो गया है, ये 29 से 31 तक का है जो कि ये जुलाई का है। तो हमने पटाया बैकपैकर्स में बुक किया जो कि 662 का पड़ा, हमें 662 रुपये का पड़ा। उसके बाद हमने बैंकॉक में एक दिन के लिए बुक किया जो कि स्लीप विथ मी है। और ये मैं पूरा जो बुकिंग था वो मैं पूरा नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं एक दिन दो दिन का बुकिंग यहाँ से कर लेता हूँ इंडिया से, और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो फिर मैं डायरेक्ट चेकिंग करता हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट और आपको सस्ता पड़ जाता है। तो आइए कुछ पटाया का है, इसे आप देखिए, इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Sunshine.